व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइस, स्वागत है आपका इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ के 29th वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉगिन एक्टिविटी क्रिएट किया, उसका आईडी सब कुछ सेट किया। अभी हम ऑन क्लिक होने के बाद लॉगिन बटन पे, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस वो डेटा रिट्राइव करेंगे ताकि वो जो यूज़र इनपुट करेगा वो मैच होगा कि नहीं। तो उसके लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस से हम डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी ओपन करता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पर हमने शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वैसे ही इस पर भी करेंगे। तो इस पर एडिटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एडिट करना नहीं चाहते अभी। तो शेयर्ड प्रेफरेंस का रेफरेंस क्रिएट होने के बाद सेम जो यूज़र डिटेल्स करके उसका नाम था और मोड प्राइवेट था, वो भी यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, इसको पता चल जाएगा कि हमको यूज़र डिटेल्स वाला फाइल ओपन करना है। तो ऑन क्लिक होने के बाद हम क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जो असली यूज़र नेम है, जो करेक्ट यूज़र नेम या तो रजिस्टर्ड यूज़र नेम है। तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, जो की का नेम, हमने की का नेम कैसे सेव किया था यूज़र नेम का, की यूज़र नेम और हम डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग, अगर कुछ नहीं मिला तो हम कुछ डाल सकते हैं, उसके लिए मैं अभी 0 डाल देता हूँ। तो इस तरह हम स्ट्रिंग हम इंटरनल स्टोरेज में जो सेव किया है उससे रिट्रीव कर सकते हैं। तो यूज़र नेम फ़ोन ईमेल और पासवर्ड, रजिस्टर्ड फ़ोन, रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड पासवर्ड, की फ़ोन, की ईमेल जैसे हमने सेव किया था, की पासवर्ड। तो इस तरह चार चीज़ हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे चार फाइल सेव किया था स्ट्रिंग फॉर्म में, और फ़ोन हमने ईमेल के फॉर्म में इंट के फॉर्म में सेव किया था। तो मैं इंट के फॉर्म में नहीं, हाँ इंट के फॉर्म में सेव किया था, तो मैं इंट पे ले सकता हूँ, फ़ोन में इंट पे ही ले सकता हूँ और गेट इंट कर सकता हूँ यहाँ पे, गेट इंट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इंटीजर के फॉर्म में 0 दे सकता हूँ। तो इस तरह हमारा इस इन नेम में जो हमारा रजिस्टर्ड इंटरनल से रीड हो जाएगा। अभी रीड होने के बाद क्या करेंगे, इफ़ यूज़र नेम, जो यूज़र नेम से इनपुट लिया था हमने एड ईटी यूज़र से, जो ईटी यूज़र मतलब ये यहाँ से जो इनपुट लिया है वो मैच होना चाहिए, तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे ईटी यूज़र डॉट। तो हम एक बार इजी होने के लिए यहाँ पे एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे, इनपुटेड यूज़र नेम इज इक्वल टू ईटी यूज़र डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। string inputted password is equal to et password dot get text dot to string dot trim। तो इस तरह हमारा यूजर नेम और इनपुटेड यूजर नेम जो इनपुटेड में आएगा, जो हमारा रजिस्टर यूजर नेम रजिस्टर में आएगा। तो अभी हम चेक करेंगे कि इनपुटेड यूज़र नेम जो है डॉट इक्वल्स रजिस्टर्ड यूज़र नेम, अगर इनपुटेड यूज़र नेम रजिस्टर्ड यूज़र नेम से इक्वल होगा तो ये अंदर जाएगा। इनपुटेड यूज़र नेम जो यूज़र ने इनपुट किया वो रजिस्टर से इक्वल होगा तो अंदर जाएगा, और एक और बार चेक करेगा कि इनपुटेड पासवर्ड डॉट इक्वल्स रजिस्टर्ड पासवर्ड, अगर इक्वल हुआ तो हम यहाँ पे इफ़
एवरीथिंग फाइन करेंगे, नहीं हुआ इक्वल तो एल्स कंडीशन लगा के हम यहाँ पे एक यूज़र यूज़र नेम का जो ईटी यूज़र है उस पे एरर सेट कर देंगे कि इनकरेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जब इक्वल होगा तो अंदर जाएगा इफ़ एवरीथिंग फाइन यहाँ पे जाएगा, इक्वल नहीं होगा तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन करके डिस्प्ले कर देगा। इफ़ इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वल हुआ तो हम नीचे जो फ़ोन है उस पे डिस्प्ले कर देंगे, जो टीवी फ़ोन है टेक्स्ट व्यू फ़ोन पे सेट टेक्स्ट कर देंगे जो इन रजिस्टर्ड फ़ोन टीवी ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट रजिस्टर्ड ईमेल। तो जब हम एक बार ऐप को रन करके देखते हैं तो हमने रजिस्टर तो पहले कर चुके हैं, एक बार लॉगिन ट्राई करते हैं। तो यूज़र नेम पे हमने रखा था, अभी के लिए कुछ भी डाल देते तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, और जब हम इजी डाल देते हैं जो हमारा नाम था लेकिन पासवर्ड रॉन्ग है तो यहाँ पे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन करके आ जाएगा। जब हम पासवर्ड सही डालेंगे तो फ़ोन और ईमेल दिखना चाहिए, तो हमारा फ़ोन और ईमेल दिख गया। सेम इसी तरह हम दूसरा भी कुछ रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़र नेम सलमान, फ़ोन पे 9999, ईमेल पे sallu@gm.com, पासवर्ड पे khan123। अब हम सबमिट करेंगे तो पासवर्ड नॉट मैच होगा, वो भी हम कर चुके हैं 123। तो इस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और वो इंटरनल स्टोरेज में सेव भी हो गया। अभी हम लॉगिन पे ट्राई करेंगे सलमान khan123 पासवर्ड है, तो यहाँ पे नंबर और ईमेल दिखाएगा। तो हमारा लॉगिन कैसे करना है ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो हमें अब लॉगिन होने के बाद ये तीन अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, लॉगिन होने के बाद ये नहीं दिखना चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे जब लॉगिन होने के बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन होने के बाद कि जो एडिट टेक्स्ट है ET यूज़र डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन ET पासवर्ड डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन और एक बटन है लॉगिन बटन डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन, तो इस तरह तीनों चला जाएगा। लॉगिन एक्टिविटी सलमान, जब हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, khan123, तो ये दोनों सब तीनों चला गया और इतना ही दिखाया। तो हम इस तरह हम विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं। तो हम इसका लॉजिक ये था कि हम रजिस्टर और लॉगिन एक्टिविटी कैसे क्रिएट करेंगे, रजिस्टर से हम इनपुट सेव कैसे करेंगे, जो यूज़र से इनपुट लिया वो इंटरनल स्टोरेज में हम इस तरह सेव करेंगे, और उसको हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं वो हमने लॉगिन एक्टिविटी में देखा। इसी तरह हमको शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में भी जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।